हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 7 के लिए इंटीजर्स चैप्टर, उसमें मैं अभी आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज सिखाने वाली। अब मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज में फर्स्ट वाला है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। ओके, अभी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज में एक फॉर्मूला है, ए इंटू बी वो एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज होगा। अभी उसमें एग्जाम्पल मैंने दे दिया, ए इजिकल टू 3, बी इजिकल टू 5। अब मैंने यही फॉर्मूला यहाँ क्या है, ए का क्या है 3 और 5, 5 इंटू 3। अब दोनों का क्या आएगा, 3 5 जा 15, 5 3 जा 15, हो गया सेम इक्वल आ गया। ए इंटू बी करो या बी इंटू ए करो, उसका रिजल्ट सेम ही आता है। ओके, ये था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। अब मैं आप लोगों को इसमें सेकेंड वाला है जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, उसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज में भी ऐसा है, इजिकल ए इंटू बी इंटू सी, ए इंटू बी इंटू सी इजिकल टू ए इंटू बी ब्रैकेट ओवर सी। ओके, अब मैंने यही फॉर्मूला डाल दिया, ए का 2, बी का 4, सी का 5। ओके, अब ए इंटू बी क्या है, ए का क्या है 2, ब्रैकेट के अंदर क्या है 4 इंटू 5। ओके, अब इधर क्या है, ए क्या है 2, बी क्या है 4 इंटू 5 क्या है, सी क्या है 5। अब मैंने यहाँ लिख दिया 2 एस इट इज, 4 5 जा 20, इसमें 2 4 जा 8 इंटू 5। ओके, अब 2 20 जा कितना है 40 और 8 5 जा कितना है 40, हो गया। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज में भी मैंने ऐसे ही कर दिया। अब इसमें और एक प्रॉपर्टीज है, वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज हम एक बार देखते हैं, थर्ड वाला डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज क्या है, ए इंटू बी प्लस सी। ओके, अब इसको ए इंटू सी और प्लस बी इंटू ए, सॉरी ए इंटू बी एंड ए इंटू सी। ओके, ये ऐसे ही क्या, ए बी से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर ए सी से मल्टीप्लिकेशन, वही इक्वल साइन कर देंगे। अब मैंने यहाँ पे लिखा ए इजिकल टू 2, बी 3 और सी 5 फॉर द एग्जाम्पल। ए क्या है 2, बी क्या है 3 प्लस 5, इसमें ए किससे मल्टीप्लाई, 2 3 से मल्टीप्लाई होगा प्लस 2 5 से मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ 2 3 प्लस 5 8, यानी 16 आ गया। यहाँ देखते 2 प्लस 6 प्लस 10, यहाँ भी 16 आ गया। देखो डिस्ट्रीब्यूटिव भी हमारा सेम हो गया है, इक्वल हो गया। जो भी नंबर्स देते हैं ये फॉर्मूला के अनुसार देखेंगे तो ए इंटू बी प्लस सी और इजिकल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, उसमें भी सेम आता है। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज भी हमारा आ गया है। अब लास्ट में जीरो का वैल्यू, वन का वैल्यू क्या है, उसका वीडियो अगला वीडियो हम देखेंगे। जीरो का वैल्यू क्या है, वो किस तरह मल्टीप्लिकेशन एडिशंस और सब्ट्रैक्शंस में आते हैं, और इवन वन का भी किस तरह मल्टीप्लिकेशन डिविजन में सब आते हैं, वो हम देखते हैं। ओके, टिल दैट हैव अ नाइस डे।